हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की, एंड द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 14, जो टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक से रिलेट करता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वंस अगेन, क्योंकि बैक टू बैक सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेक्शन 12 हमने देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 13 में भी मैंने आपको ये चीज़ बोली, और 14 भी उसी लेवल का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज अगर प्रैक्टिकली कुछ सम्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें से ये पॉसिबिलिटी है। तो वन ऑफ दोज सेक्शंस इज सेक्शन नंबर 14। सो लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 14, और ये क्या बोलता है ये एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है और वो सिचुएशन हमें भी समझनी है, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, तो ये आपके लिए भी समझना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। चलिए देखिए, मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी आपको, इसी चैप्टर में हम बात कर रहे थे कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, एक जीएसटी वाला एक ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक सप्लाई हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सप्लाई के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, दो तीन एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? एक एक्टिविटी ये होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर बोथ, कुछ भी हो सकता है। दूसरी एक्टिविटी होती है इशू ऑफ इनवॉइस, और तीसरी एक्टिविटी होती है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो एक तो ये है कि मैं आपको गुड सप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि मैं आपको इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, तीसरा ये है कि मैं आपसे पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। ये तीनों एक्टिविटीज़ सेम डेट पे हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक्टिविटीज़ अलग अलग डेट्स पे हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल, और ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो इन तीनों डेट्स के बीच में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीएसटी का जो रेट है उसमें चेंज आ जाए? बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आप सोच के देखना, ये डाउट आपके माइंड में कभी भी अराइज हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ था, बट इस सेक्शन के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे ये तीनों एक्टिविटी हुई है, अब इसका कोई फिक्स ऑर्डर भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने पेमेंट एडवांस दिया और मैंने इनवॉइस बाद में भिजवाया हो सकता है मैंने इनवॉइस पहले जनरेट करके दे दिया, आपने पेमेंट बाद में किया, हो सकता है कि सप्लाई मैंने बाद में किया, पहले मैंने आपको इनवॉइस भेजा, आपने पैसे दिए, फिर मैंने सप्लाई किया। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ का कोई फिक्स ऑर्डर है नहीं, ये इंटरचेंजेबल है आपस में, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ के होने के बीच में कहीं पे अगर जीएसटी का रेट ही चेंज हो जाए, तो फिर अगर मान लो जीएसटी 5% से बढ़ के 12% हो गया, या 18% से कम हो के 5% हो गया, या 18% से, या हम बोल सकते हैं हाँ 18% से कम होके 12% हो गया, तो फिर अपने इसको क्या ट्रीट करें, कैसे ट्रीट करें, वो हमें यहाँ पे उसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। इन्होंने इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए जो सेक्शन 14 में उन्होंने एकदम स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिए, कि जो भी सिचुएशन हो, आपको ओल्ड रेट लेना है या न्यू रेट, वो हम सेक्शन 14 में जैसे बताएंगे वैसे ही करना है, इसके अलावा आपको और कोई टेंशन नहीं लेना है। हमने बोला ठीक है, तो फिर सेक्शन 14 में है क्या भैया, वो तो समझा दो, तो हम उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो जैसा उन्होंने सेक्शन 14 में बोला वो ये आपके सामने है सारा पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स, टोटल 6 ऑप्शंस हैं जिस हिसाब से उन्होंने हमें कॉम्बिनेशंस अरेंज करके दिए। मैंने क्या किया, इसको एकदम सिंपल फॉर्म में एक टेबुलर वे में प्रेजेंट कर दिया है, ये काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है, और इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। देखो अच्छा, इन्होंने यहाँ पे जो ये सेक्शन बोला है, एक चीज़ मैं आपको खाली क्लियर कर देता हूँ, जो करेक्शन जैसा आप बोल सकते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ ऊपर सर्विस वर्ड मेंशन कर दिया है, बट गुड्स भी हो सकते हैं क्योंकि सेक्शन में गुड्स भी लिखा है, तो गुड्स के साथ साथ या सर्विस के साथ साथ आप वहाँ पे ऑब्लिक करके गुड्स या बोथ भी लिख लेना। वेरीफाई करना है तो हमेशा सेक्शन की लैंग्वेज देखो, सेक्शन की लैंग्वेज देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दोनों चीज़ें मेंशन की है उन्होंने, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, तो दोनों मेंशन कर लेना, पहले तो ये क्लियर कर दिया। अब देखो
कैसे इसको हम फ्रेम करें, कैसे चेक करना है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। टेबल में से आप जल्दी वेरीफाई भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। हमारे पास तीन पैरामीटर्स है ना, एक ये सप्लाई, एक इनवॉइस और एक पेमेंट। अब एक टू डायमेंशन टेबल में, रो और कॉलम में हम अगर कितने भी कॉम्बिनेशन ले, हम तीन चीज़ें कभी कंपेयर नहीं कर सकते एट ए टाइम, हम कोई भी दो चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देंगे कि ये तो ऐसा ही हुआ होगा मान लो। अब बाकी के दो पैरामीटर्स में जो वेरिएशन है वो हम लगा के देख लेते हैं। तो ऐसे करके हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, तो टोटल सिक्स कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे उन्होंने क्या किया है, वो जो दो टेबल्स हैं, वो जो सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ, ठीक है, मैं एक बोलूँ या दो, मैं सप्लाई और सर्विस भी बोलूँ, समझ जाना गुड्स भी उसमें कवर हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो सप्लाई जो है वो या तो जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले हो चुका है या फिर जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड बिफोर और आफ्टर। किसके बिफोर और आफ्टर, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स दैट इज जीएसटी। तो सपोज जीएसटी जो है वो चेंज हुआ 1 सितंबर 2020 को, काउंसिल की मीटिंग हुई शाम को और इफेक्टिवली आज से नए रेट्स एप्लीकेबल हो गए, और बहुत सारे रेट्स में उथल पुथल हो गई, वो होता रहता है। तो सप्लाई आपने 1 सितंबर से अगर पहले कर दिया था तो ये, और अगर बाद में किया था तो ये, तो कोई एक चीज़ तो अज्यूम कर लो कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, और कुछ नहीं। प्रैक्टिकली तो जो भी होगा सामने आपको डेटा दिया ही होगा। अब इन्होंने बोला कि अगर आपने सपोज अज्यूम कर लिया है कि सप्लाई ऑलरेडी हो गया था, ऐसा मान लेते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सप्लाई ऑलरेडी डन बिफोर, बिफोर मतलब क्या, बिफोर बिफोर द चेंज इन द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो बाकी दो पैरामीटर्स में बचता क्या है, एक इनवॉइस की डेट और एक पेमेंट की डेट। अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप सोच सकते हो, बना सकते हो कि भाई हाँ, हो सकता है इनवॉइस जो है वो भी पहले इशू हो गया हो सकता है कि पेमेंट बाद में आया हो, उल्टा भी हो सकता है कि भाई पेमेंट पहले आ गया हो, इनवॉइस बाद में इशू हुआ हो। अच्छा, ये भी हो सकता है इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, पेमेंट भी बाद में आया। ये भी हो सकता है कि इनवॉइस भी पहले इशू हो गया था और पेमेंट भी पहले आ गया था। तो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब यही चीज़ वहाँ पे लिखी है टेबल में, तो मैं आपको रिलेट करा देता हूँ, देखो कैसे। सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी बिफोर, जैसे मैंने बोला कि एक पैरामीटर तो अज्यूम करना है। अब देखते हैं बाकी कॉम्बिनेशंस क्या बचते हैं। पहले सीरियल नंबर में बोला है कि इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ, बाद में मतलब 1 सितंबर के बाद, जो अपनी रेफरेंस डेट है। पेमेंट कब आया, पेमेंट भी 1 सितंबर के बाद ही आया, मतलब एज ऑन 1 सितंबर सिर्फ गुड्स का सप्लाई या सर्विस का सप्लाई हो चुका था, बट इनवॉइस इशू करना भी बाकी था, पेमेंट रिसीव करना भी बाकी था, मतलब दोनों चीज़ें जो हुई इट वॉज डन आफ्टर 1 सितंबर। इतना तो क्लियर हुआ। तो अगर ये सिचुएशन आपको मिलती है एक ट्रांजेक्शन में, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ दीज टू, इनवॉइस एंड पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो ये तो आपको रूल उन्होंने दे दिया सेक्शन में लिख के कि हाँ भाई विच एवर इज अर्लियर लेना है, बोला है तो हम ले लेंगे और कुछ। अब मुझे ये बताओ कि फिर इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी कितने रेट पे कलेक्ट करोगे, ओल्ड रेट पे या न्यू रेट पे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि पहले ओल्ड रेट जो है जीएसटी का वो था 5%, और जो न्यू रेट है जीएसटी का वो बढ़ के हो गया 12%। देखो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही है, कम भी हो सकता है। तो कम हुआ या बढ़ा ये देख के अपने रूल नहीं चेंज करेंगे, रूल में क्या लिखा है उस हिसाब से रेट सिलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ओल्ड रेट लगेगा या न्यू रेट लगेगा। तो देखो आपको उन्होंने जो रूल बोला उसमें ये बताया कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर में से तो दोनों में से कोई भी अर्लियर हो सकता है, बट एक बात यहाँ पे सर्टन है कि दोनों में से आप कोई भी डेट सिलेक्ट करो, चाहे इनवॉइस की या पेमेंट की, वो होगी 1 सितंबर के बाद की। सही बात है, ठीक है, दोनों में आफ्टर तो बोला है, तो आप इनवॉइस डेट इशू की देखोगे तो भी 1 सितंबर की कोई बाद की डेट होगी, 3 सितंबर होगी,
और पेमेंट की जो डेट है वो 5th सितंबर होगी, तो दोनों में से विच एवर इज अर्ली, तो थर्ड आ गई। तो जो भी डेट सिलेक्ट हो, इनवॉइस की डेट सिलेक्ट हो या पेमेंट की डेट, वो होगी तो 1st सितंबर के बाद की, और 1st सितंबर से क्या रेट एप्लीकेबल हो गया था, न्यू रेट कितना 12%, आया समझ में। तो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में हम सीधा सीधा यहाँ पे ले सकते हैं 12%। तो आई होप यहाँ तक तो आपको अब क्लियर होगा। इसके बाद जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है वो भी देख लो, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, सेकेंड कॉम्बिनेशन आप देख लो। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अज्यूम कर लो कि इनवॉइस पहले इशू हो गया था, मतलब 1st सितंबर से पहले, और पेमेंट बाद में आया, और सर्विस तो या सप्लाई तो पहले ही प्रोवाइड कर ही दिया था, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या सिलेक्ट करे। अब हर बार विच एवरेज अर्लियर नहीं होता, यहाँ सेक्शन में लिखा है कि द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस, ये उन्होंने बोला है ऊपर, तो हम ऐसा मान रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब 1st सितंबर के पहले या बाद में। तो देखो, हमारे अजम्पशन में, सेकेंड वाले सीरियल नंबर में, हमारे अजम्पशन में हमने डेट ऑफ इनवॉइस को माना था बिफोर 1st सितंबर। तो बिफोर 1st सितंबर कौन सा रेट था उस दिन, ओल्ड रेट या न्यू रेट? ऑब्वियसली ओल्ड रेट कौन सा, 5% वाला। तो उस ट्रांजेक्शन पे कितना जीएसटी आपको लेना है, 5%। आ गई क्लैरिटी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड केस, अब क्या कॉम्बिनेशन बचा, इनवॉइस बाद में इशू हुआ, पेमेंट जो है वो पहले रिसीव हो गया, ठीक है, पहले आ गया था पेमेंट इनवॉइस आने से पहले। तो उस सिचुएशन में बोला है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट। अब जो डेट ऑफ पेमेंट की बात हो रही है वो भी तो बिफोर 1st सितंबर है, तो उस दिन भी कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट, और ओल्ड रेट क्या है, 5%। आ गया लॉजिक, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप इसमें ट्रिक देखो, याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर सप्लाई पहले ही हो चुका है बिफोर, तो इन सेकेंड और थर्ड वाले केस में आप देखना बिफोर वाली डेट ही सिलेक्ट हुई है। देखो, जब इनवॉइस बिफोर था तो इनवॉइस डेट सिलेक्ट हुई, जब पेमेंट बिफोर था तो पेमेंट डेट सिलेक्ट हुई। इन शॉर्ट, पता है डिपार्टमेंट क्या चाहता है, कि आप जल्द से जल्द उनको जीएसटी जमा करवाओ। ऑब्वियस है, लॉजिक है ना, जितना जल्दी उनको पैसा मिलेगा उतना अच्छा है ना, तो आफ्टर वाली डेट तो वो सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। और जब दोनों आफ्टर है तब तब तो बेचारे फंस गए, क्योंकि बिफोर है ही नहीं, तो बोला फिर विच एवर इज अर्लियर, जल्दी से जल्दी पैसा लाओ। आ रही है सोच समझ में उनकी? तो जब आफ्टर आफ्टर है तो उनके पास क्या चॉइस बचती है, विच एवर इज अर्लियर, जितना जल्दी आ जाए ठीक है, और जब बिफोर वाला ऑप्शन अवेलेबल है तो वो हमेशा बिफोर वाला ही सिलेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। तो आपको सही आंसर मिल जाएगा अपने आप, क्लियर। एक बार इस टेबल को शांति से वापस से समझो, जो मैंने बोला आप रिवाइंड करके फिर से देखो, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की। अब ये जल्दी समझ आएगा, यहाँ पे पहले तो ये बोला है कि जो सप्लाई है वो बाद में प्रोवाइड हुआ है 1st सितंबर के, तो ये अजम्पशन तो हमने ले लिया। अब कॉम्बिनेशंस क्या बचते हैं, बिफोर बिफोर, तो बिफोर बिफोर होगा, तो देखो दोनों सेम होंगे ना, अगर बिफोर बिफोर या आफ्टर आफ्टर, तो रूल बोलता है विच एवर इज अर्लियर, जितना जल्दी पैसा मिले उतना अच्छा। अब कोई भी बिफोर सिलेक्ट करो, है तो 1st सितंबर के पहले का, रेट कौन सा आएगा, ओल्ड रेट, न्यू रेट तो आने वाला नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बिफोर आफ्टर, हाँ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ऊपर हेडिंग में आफ्टर है तो यहाँ पे भी उन्होंने आफ्टर ही सिलेक्ट किया है, आफ्टर, ये रहा इसमें डेट ऑफ पेमेंट, और ये वाला जो है इसमें डेट ऑफ इनवॉइस, ये कॉम्बिनेशन में। तो आफ्टर वाले में तो न्यू रेट लगेगा, तो वो भी पता चल गया आपको कि यहाँ पे आना चाहिए न्यू रेट। तो आप इतना ध्यान रखना कि अगर ऊपर हेडिंग में बिफोर, ये सब मैं थोड़ा हटा देता हूँ, अगर ऊपर हेडिंग में बिफोर लिखा है तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ऑपोजिट्स ही मिलेंगे, आफ्टर आफ्टर ही मिलेंगे। अच्छा बोलो सर, वो बिफोर बिफोर वाला कॉम्बिनेशन नहीं आया, अरे भाई सप्लाई बिफोर हो चुका, इनवॉइस भी बिफोर इशू हो चुका, पेमेंट भी बिफोर रिसीव हो चुका, तो फिर चेंज से फर्क ही क्या पड़ा। आ रही बात समझ में? 1 सितंबर को जो रेट चेंज हुआ, आपका ट्रांजेक्शन 31 अगस्त तक हो गया था, इनवॉइस भी दे दिया था, पैसा भी आ चुका था, गुड्स भी पहुंचा दिए थे, तो 1 सितंबर वाले रेट चेंज से आपको क्या फर्क पड़ा, आया बात समझ में? तो वो कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो जब आफ्टर आफ्टर होगा तो आपको विच एवर इज अर्लियर सिलेक्ट करना है, और बाकी कॉम्बिनेशंस में जो बिफोर होगा वही आंसर होगा, इतना ही लॉजिक। और बिफोर में क्या लगता है, ओल्ड रेट, आफ्टर में क्या लगता है, न्यू रेट, इतना तो पता चल गया। सेम चीज अब आप नीचे सेकंड टेबल में अप्लाई करके देखो, वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हो जाएगी। ऊपर आफ्टर है तो नीचे बिफोर बिफोर है, अगर एक आफ्टर है तो वही आंसर है, और आफ्टर आफ्टर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ अगर बाद में ही हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट है कि नया रेट ही लगने वाला है, क्लियर। तो इसके साथ अपना ये सेक्शन 14 कंप्लीट हुआ। अब आप उसकी थियरी पढ़ो, टेबल देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, और इसमें आपका पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो कवर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेरी होगी, अभी भी थोड़ी बहुत क्वेरी रह गई होगी 5-10%,
इसमें आप अच्छे से क्लियर आउट कर पाओगे। ठीक है, डन। सो यहाँ पे अपने पैकअप करते हैं। सो आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी, होपफुली हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।